हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये इसका पार्ट 5 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड, एंड बी, क्वेश्चंस ऑफ इनकम मेथड। सबसे पहले हम इनकम मेथड के प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब आप इनकम मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड, जिसमें फर्स्ट है ऑल ट्रांसफर इनकम्स और पेमेंट्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज ट्रांसफर आर नॉट अ प्रोडक्शन एक्टिविटी and do not reflect any production of goods and services in the accounting year। इसका मतलब है कि सभी ट्रांसफर इनकम्स और पेमेंट्स, जिसमें हम ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को इंक्लूड करते हैं, या किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं, या आपके पेरेंट्स जब आपको पॉकेट एक्सपेंसेस देते हैं, तो इन सभी केसेस में इन पेमेंट्स को और इनकम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, क्योंकि ये सभी की सभी इनकम्स ट्रांसफर इनकम्स हैं। और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जब भी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम्स को कभी भी इंक्लूड किया नहीं जाता। ट्रांसफर इनकम को इसलिए भी इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि ये सभी यूनिलैटरल पेमेंट्स हैं, वन साइडेड पेमेंट्स हैं। इसके बदले में आप कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन अलाउंस रिसीव करता है गवर्नमेंट से, तो वो बिना काम करे उस गवर्नमेंट से पैसे रिसीव कर रहा है। इस केस में बिना प्रोडक्शन एक्टिविटी के अगर आप कोई भी अमाउंट रिसीव करते हो तो उसको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम नहीं लेते हैं। यह आपको अच्छे से याद रखना है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स को ही इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम्स को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। यह आपका पहला प्रिकॉशन है ऑफ इनकम मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड प्रिकॉशन इज इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, स्मगलिंग, गैम्बलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा is not to be included in national income because no estimates are available of such incomes। इसका मतलब है कि illegal activities से जितनी भी income generate होती है, जिसके अंदर हम theft को ले सकते हैं, smuggling को ले सकते हैं, gambling को ले सकते हैं, black marketing को ले सकते हैं, इन सभी cases में income generate होने पर उस income को हम national income में consider नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह का data available नहीं है जहाँ पर आपको illegal activities से income का पता चले। कोई भी चोरी करने वाला बंदा आपको आके बताने नहीं वाला कि उसने कितने रुपए की चोरी की है, या किस तरह उसने स्मगलिंग करके इनकम को जनरेट किया है, या गैम्बलिंग करके जनरेट किया है। इन सभी एक्टिविटीज के बारे में कभी भी आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता, इसलिए इन सभी एक्टिविटीज से जनरेट की इनकम को हम नेशनल इनकम में ले भी नहीं सकते। तो ये काफी सिंपल था। थर्ड इज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, फाइनेंशियल एसेट, सेल ऑफ ओल्ड कार्स, ओल्ड हाउसेस, bonds, debentures, etc. are called capital gain. These transactions are not production transactions. They do not contribute anything to the current flow of goods and services, reflect only changes in the ownership, so should not be included in national income. इस सेम प्रिकॉशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने वैल्यूएटेड मेथड को डिस्कस किया था तो उसके अंदर भी ये सेम प्रिकॉशन था। इसका मतलब है कि जब भी आप सेकेंड हैंड गुड्स को सोल्ड करते हो, जिसमें हम फाइनेंशियल एसेट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ओल्ड कार्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ओल्ड हाउसेस को इंक्लूड कर सकते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, इन सभी को सोल्ड करने से अगर आपकी कोई इनकम जनरेट होती है तो उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये एक प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। जब भी आप सेकेंड हैंड गुड्स को सोल्ड करते हो तो उससे सिर्फ ओनरशिप में ट्रांसफर आता है, कोई भी इकोनॉमी में नए गुड्स एंड सर्विसेज का एडिशन नहीं होता, इसलिए इन सभी ट्रांजेक्शन को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट इज फोर्थ, कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दीज आर अ रिवॉर्ड फॉर रेंडिंग फैक्टर सर्विसेज। इसका मतलब है कि सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज पे अगर आप कमीशन कोई पे करते हैं तो उसको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को दे करके एक रिवॉर्ड अर्न कर रहे हैं। इसी की तरह प्रिकॉशन 5 भी सेम है, विच इज ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम
बिकॉज दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज। इसका मतलब है कि जब भी आप सेल एंड परचेज करते हैं शेयर्स की या बॉन्ड्स की, और उस पर अगर कोई ब्रोकरेज अर्न करते हैं जिसे हम कमीशन ही कहते हैं एक तरीके से, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रोकर अपनी सर्विसेज को दे करके रिवॉर्ड अर्न करता है, और उस रिवॉर्ड को हम हमेशा इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये फैक्टर इनकम है। तो इस तरह हम यहाँ पर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को समराइज करके कह सकते हैं कि अगर कभी भी आप सेकेंड हैंड कार को सोल्ड करते हैं, या आप शेयर्स को या बॉन्ड्स को सोल्ड करते हैं, तो उसको कभी भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन प्रोडक्शन एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं। पर अगर इन ट्रांजेक्शन पे आप कोई कमीशन जनरेट करते हो या कोई ब्रोकरेज जनरेट करते हो, तो उसको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रोकर अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करके कमीशन या फिर ब्रोकरेज रिसीव करता है, जिसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं, और फैक्टर इनकम को हमेशा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में लिया जाता है। तो इस तरह आप इसको इस डायग्राम से याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रिकॉशन इज सिक्स्थ, इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम किसी तरह की लॉटरी से जनरेट होती है, तो इस इनकम को आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि लॉटरी लगने से इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं होता है, और क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इकोनॉमी में जनरेट नहीं होता है, इस वजह से भी हम इस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है सेवंथ, इंप्यूटेड और एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज अ फैक्टर इनकम। इस पॉइंट को भी हमने वैल्यूएटेड मेथड के अंदर डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हर हाउस की एक रेंटल वैल्यू होती है, चाहे उसको आप किराए पे दें या आप उसमें खुद रह रहे हो, एंड उस रेंटल वैल्यू को हमेशा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो एक फैक्टर इनकम है। तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है एट्थ, प्रोडक्शन ऑफ सेल कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर मार्केट। ये भी सेम पॉइंट हमने वैल्यूएटेड में डिस्कस किया था, जिसे हमने सीखा था कि अगर एक फार्मर जो वीट का प्रोडक्शन करता है सोल्ड आउट करने के लिए, और उस सेम वीट के प्रोडक्शन को वो अपने फैमिली में कंजम्पशन के लिए यूज करता है, जिसे हम सेल कंजम्पशन कहते हैं, तो उसको भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि एक फार्मर जिसने वीट का प्रोडक्शन किया है, जिसको वो मार्केट में सोल्ड करेगा, अगर वो सेम प्रोडक्शन का यूज कंजम्पशन में करता है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी वजह से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में सेल कंजम्पशन को इंक्लूड किया जाता है, जो इसका आपने खुद ने प्रोडक्शन किया है। द नेक्स्ट इज नाइन्थ, विच इज वेल्थ टैक्स, डेट ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स एक्सेट्रा इज पेड आउट ऑफ द करंट इनकम और आउट ऑफ पास सेविंग ऑफ टैक्स पेयर, इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसका मतलब है कि जितने भी तरह के आपके टैक्सेस होते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं वेल्थ टैक्स, डेट ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स एक्सेट्रा, इन सभी टैक्सेस को या तो आप अपनी करंट इनकम में से पे करते हैं, या आप फिर अपनी पास सेविंग में से पे करते हैं, और इस वजह से इसको कभी भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और इस तरह आपके यहाँ सभी प्रिकॉशंस कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा दो प्रिकॉशंस और हैं जो सिंपली मेथड से रिलेटेड हैं, आपको मेथड हेल्प से ही समझ आ जाएंगे। जिसमें फर्स्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड। इसका मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, और उसके साथ साथ आपको कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी गिवन है, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ प्रॉफिट को इंक्लूड करना है। और अगर आपने एक बार प्रॉफिट को इंक्लूड कर लिया है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, तो उसके बाद आपको इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपली एक मेथड का रूल था जो आपको याद रखना है। इसी तरह सेकंड है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड वंस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसका मतलब ही सेम है कि अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली गिवन है, और उसके साथ साथ आपको वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी अलग से भी गिवन है,
तो आपको मेथड के अंदर सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू को इंक्लूड करना है। और अगर आपने यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू को इंक्लूड किया है तो आपको इसके कंपोनेंट को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट मेथड से रिलेटेड है, इसको एक तरह से प्रिकॉशन भी बोलते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। और सर आपके इनकम मेथड के सभी प्रिकॉशंस कंप्लीट होते हैं। नाउ अब हम इनकम मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इनकम मेथड को एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप इनकम मेथड का यूज करते हैं तो उससे आपके डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, जिसे NDBFC कहते हैं, जिसमें इनकम मेथड के फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। इससे आपकी NDBFC को कैलकुलेट किया जाता है। देन NDBFC को हम कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम में, जिसे NNPFC कहते हैं। आपको याद रखना है कि NNPFC को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। और नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली NDBFC में ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस तरह इनकम मेथड की हेल्प से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। और ये इनकम मेथड का डायग्राम है, जिसको देख करके आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूले को डिस्कस करने के बाद अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है और इनकम मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कैलकुलेट नेशनल इनकम। आपको यहाँ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, जहां पर आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में जो कैलकुलेट करना है उसको लिखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, और हम जानते हैं कि नेशनल इनकम को NNPFC कहा जाता है। यहाँ हम इनकम मेथड का यूज करेंगे NNPFC को कैलकुलेट करने के लिए। हम जानते हैं इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है NDBFC इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ना हम डायग्राम का यूज करके एक एक करके इनकम मेथड के सभी कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे। ये आपका डायग्राम है। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के डायग्राम को देखते हैं। इसमें हम जानते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपका टोटल 4 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि क्या आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली गिवन है। तो हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी पॉइंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में नहीं है, आपको यहाँ डायरेक्टली गिवन नहीं है। इसलिए अब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के सब कैटेगरीज को फाइंड आउट करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को कैलकुलेट करेंगे। ये आपकी 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, पेंशन ऑन रिटायरमेंट एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो हम एक एक करके इन सबको ढूंढते हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपको फर्स्ट दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज, तो यहाँ पर आपका कैश एंड काइंड तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको दे रखा है नेक्स्ट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये आपका सेकेंड हो गया। बस इसके अलावा आपको और कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करके आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, विच इज 400 प्लस 100, या 400 आपका वेजेस एंड सैलरीज है एंड 100 वैल्यू आपकी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी है। आपको यहाँ याद रखना है कि मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है, ना कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को कभी भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। द नेक्स्ट हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की हम कैटेगरीज को देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू को डायरेक्टली ढूंढेंगे, अगर वो गिवन नहीं होगी तो फिर हम सब कैटेगरीज को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है, इसलिए इसकी सब कैटेगरीज को देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस है 500, इसको हम डायरेक्टली सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। द नेक्स्ट आपको चाहिए मिक्स इनकम। तो मिक्स इनकम आपको डायरेक्टली चेक करना होता है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको मिक्स इनकम गिवन है पॉइंट नंबर 5 में, विच इज 300, तो इसको आप सिंपली ऐड कर देंगे। और सर आपके इनकम मेथड के सभी कंपोनेंट कंप्लीट होते हैं। नाउ हम सबको ऐड करेंगे। ऐड करने से NDBFC की वैल्यू आएगी 1300। नाउ NDBFC को कैलकुलेट करने के बाद अब हम इसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे, विच इज NNPFC। और इसे कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं
एनडीबीएफसी में हम ऐड करेंगे नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम क्वेश्चन में चेक करते हैं। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 9 में आपको नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है -70। इसको आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि किस तरह हम नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आंसर में पुट करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूले में ऐड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप प्लस करेंगे। देन क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्टली लिखा हो नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो सेंटेंस का मतलब आपको हमेशा प्लस से लेना है, तो उससे भी आपका साइन आएगा प्लस। एंड देन आपको इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में गिवन है -70। तो इस तरह आपके इन तीन साइन को आप मल्टीप्लाई करके डिसाइड करेंगे कि ये अमाउंट प्लस होगा या माइनस। तो यहाँ प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आपका प्लस साइन आएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन आपका माइनस साइन होता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा वो ओवरऑल -70 होगा। नाउ हम 1300 में से -70 को लेस करेंगे, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 1230। आपको यहाँ याद रखना है कि हमेशा आंसर आपको उसी वैल्यू में देना है जिस वैल्यू में आपको क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन आपको रुपी इन करोड़ में गिवन है, तो आप आंसर के आगे रुपी लिखेंगे, उसके बाद करोड़। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मेनली आपको नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड साइन को देख करके ही वैल्यूज को पुट करना है। इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको आ जाएगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और इस तरह इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 6 में हम इनकम मेथड के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। अब इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।